दिनांक 25 अगस्त 2023 को गोरखपुर में धूमधाम से निकाला गया श्री श्री झूलेलाल जयंती की झांकियां। सभी भक्तों को लाल साईं के मेले की लख लख बधाइयां। हेलो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। श्री राम वही राम जो हमारे रोम रोम में बसते हैं, हमारे हृदय में विराजते हैं, हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। और आज तो दशहरा है, हमें रावण दहन भी तो देखने जाना है। बाबा ये रावण कौन था और हम हर साल इसको क्यों जलाते हैं? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अधर्मी महाशक्तिशाली रावण, जिसके अहंकार का नाश हमारे प्रभु श्री राम ने किया था। दशहरे पर रावण जलाकर हम यह दिखाते हैं कि बुराई कितनी ही बड़ी क्यों न हो, पर अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। श्री राम का मंदिर है जिसे तुम्हारा सुल्तान क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। निकल जा यहां से, नहीं तो आज रावण के साथ तेरा भी दहन होगा। तेरी इतनी कुदरत कि तू सुल्तान हिंद के हुक्म की खिलाफत करे, तुझे सुल्तान का खौफ नहीं। अगर वो यहां आ गए तो तेरे राम मंदिर के साथ साथ तेरा पूरा गांव भी तबाह कर देंगे। मुझे किसी सुल्तान का खौफ नहीं, मेरी और मेरे गांव की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम है। सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान।
होगा। शालिम के खिलाफ आवाज उठाई, उसको मौत की घाट उतार दी। लेकिन तू कौन है बेटा? मैं आपका अपना राघव हूं काका, जिसके पिता को इन जालिमों ने मेरी आंखों के सामने मार डाला था। अरे बेटा, तू यहाँ क्यों आया है? उस सुल्तान के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वापस चला जा बेटा, वापस चला जा। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ काका, मैं ऋणी हूँ अपने पिता का और अपने गुरु का, जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी, और मैं ये ऋण प्रभु श्री राम की स्थापना करके ही चुका हूँ। ऐसा मत कर बेटा, शैतान है वो शैतान, उस अत्याचारी के सामने कोई टिक नहीं सकता। तू वापस चला जा बेटा, तू वापस चला जा। हर अत्याचारी का अंत समय आता है, जिस तरह हिरण्यकश्यप, कंस और रावण का अंत हुआ, उसी तरह इस दुराचारी का भी अंत होगा। राम केवल एक नाम नहीं है, हमारा विश्वास है राम, हमारी आस्था है राम, और कोई हमारी आस्था और विश्वास को तोड़ नहीं सकता। कोई बाहरी ताकत हम हिंदुओं का अस्तित्व मिटा नहीं सकती। हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, और हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम सदैव इस मिट्टी और इस मंदिर की रक्षा करेंगे। आओ हम सब लोग मिलकर ये कह लें कि मुगल हुकूमत के गुरूर को हम तोड़ेंगे, और राम लला के मंदिर निर्माण किए बगैर यह समर की भूमि हम नहीं छोड़ेंगे। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। धमकियों से अब कोई डरने वाला नहीं। तू क्या, दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ राम मंदिर बनवाने से हमें नहीं रोक सकती। ऐसी ही जरूरत आज से 20 साल पहले इस मंदिर के पुजारी ने भी की थी। पूछ इन गांव वालों से कैसे तड़पा तड़पा के मारा था। भूला नहीं हूँ मैं कुछ, कैसे तूने मेरे बाबा को मेरी आंखों के सामने मारा था। बेटा आया बाप की मौत का बदला लेने। उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज तुझे सुल्तान की असली ताकत का एहसास होगा। तेरे बाप की तरह तुझे भी तेरे राम के पास पहुंचा देता हूँ। उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज इस रावण के साथ तेरा भी अंत होगा। अरे तू क्या मुझे प्रभु श्री राम के पास पहुंचाएगा? वो तो स्वयं मेरे अंदर है, मेरे तन में है राम, मेरे मन में है राम, कण कण में है राम। मेरा सीना चीर के देखोगे तो उसमें भी प्रभु श्री राम मिलेंगे। घर घर मोदी।
हमारा देश आजादी का 77वां दिवस बड़ी धूमधाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है। कैसे? वैसे एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। इतना आसान नहीं है, अपनी नींद गंवानी पड़ेगी। देश के लिए इतने सपने हैं कि नींद के लिए कोई जगह ही नहीं। ऐशो आराम छोड़ना पड़ेगा। मेहनत ही मेरा आराम है। छोटे से छोटा काम करना पड़ेगा। काम छोटे बड़े नहीं होते, सोच होती है। हम दौलत त्यागनी पड़ेगी। राष्ट्रवादी मेरी संपत्ति है और जनता ही मेरा धन। सर उठेगा तो तिरंगे के लिए, आवाज उठेगी तो आवाम के लिए। यहीं से नरेंद्र मोदी जी का भारतीय राजनीति में एक नया जन्म होता है और वह आगे चलकर देश के एक सफल और यशस्वी प्रधानमंत्री बनते हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद